एक बड़ी मुनफरिद चीज़ मैं बताती चलूँ कि इनकी जो सिस्टर हैं उनका नाम है हिना परवेज बट, जो कि इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो एक पॉलिटिशियन है और ये एक आर्टिस्ट हैं। किस्वा का मतलब ही बेसिकली होता है खिलाफ़े काबा। पाकिस्तान में ये ज़्यादा सेल आउट होता है या पाकिस्तान से? मोस्टली माई क्लाइंट्स आर ओवरसीज पाकिस्तान। आपको एक ऐसी पेंटिंग दिखाने लगी हूँ जो कि अगर मैं कहूँ तो वो ऐसे है कि जैसे शॉपर में आपने पेंट डाल के ऐसे फेंका हो। जिंदगी आपको नीचे खींचेगी लेकिन आपने दोबारा ऊपर की तरफ उठना है। ये मेरे साथ किसी ने कलेबरेशन की थी सैमसंग पाकिस्तान ने, उनकी डिमांड थी। एवरी थिंग इज मेड सो वी डू एवरी थिंग। आप मुझे कहेंगी मेरे AC पे पेंट कर दें, मैं वो भी कर। ये मैंने जैसे ओशन था सी समुंदर की वेव के लिए भी है। हाँ जी, इसके ऊपर प्रॉपर हम कॉफी पीते हैं, बट ये मैंने थोड़ा सा समुंदर की वेव बनाई। ये जो पेंटिंग हम देख रहे हैं ये समझना मुश्किल है लेकिन इसका नाम है अधूरी ख्वाहिश। इसके अंदर स्ट्रॉन्गर कलर्स भी हैं लेकिन जो मुझे पसंद है वो ये है कि सारे स्ट्रोक्स की मूवमेंट एक रिदम अलग चल रही है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेके मैंने गिफ्ट किया है, फिर उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया है, इमरान खान साहब के लिए जो बनाया था वो किसी को गिफ्ट किया है। आंसू तक आपने दिखाए हैं कि ये वो भी देखिए, मैंने स्किन दिखाई है और उसकी पेन दिखाई है ना। लव दिस कलर पैलेट। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्ज़ा ताहिर है। मैं आपको बताती चलूँ, बट्टों के बारे में हमने सुना होगा कि बट खाते बड़े हैं, लेकिन पहली दफ़ा मैं आपको एक ऐसी बटनी से मिलवाने जा रही हूँ जो कि खाने के साथ साथ बहुत अच्छी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं। इसके अलावा इनकी आर्ट गैलरी में हम मौजूद हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे इनके विजुअल। अपनी ज़िंदगी को इन्होंने आर्ट के ज़रिए बयान कर दिया है और आप देख के समझ नहीं पाएंगे लेकिन समझाया जाएगा आपको। इसके अलावा अगर मैं इनकी एक सीरीज़ की बात करूँ, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, इतनी खूबसूरत सीरीज़ है जो कि पहली सीरीज इन्होंने लॉन्च की, बहुत हिट हुई, दूसरी लॉन्च की, उससे ज़्यादा हिट हुई। अब आने वाला जो रमज़ान है 2024 में, ये उसकी सीरीज़ 3 लॉन्च करने जा रही है, किस्वा सीरीज़। अहले इस्लाम जानते होंगे किस्वा के बारे में, उसको लेके इन्होंने एक आर्ट डिज़ाइन किया है और वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये शौक़ कैसे आया। और अगर एक बड़ी मुनफरिद चीज़ मैं बताती चलूँ कि इनकी जो सिस्टर हैं उनका नाम है हिना परवेज बट, जो कि इनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो एक पॉलिटिशियन है और ये एक आर्टिस्ट हैं, तो इनकी ज़रा हम पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानेंगे इस इंटरव्यू में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन यू हैव गिवन, यू हैव चेंज्ड माय मूड कम्प्लीटली। अच्छा, पहले तो आप ये बताएं, आपने मेरा खाने वाली स्टोरीज देखी या वैसे ही आपने, बिकॉज मैं बहुत सारा खाना लगाती हूँ इसीलिए मैंने कहा आपने, या वैसे ही बट खाना लगाती हैं लेकिन खाना आपको लगता नहीं है, ऐसा क्यों है? आई लव फूड बट आई ट्राई कि मैं डेली इतना ना खाऊं और चीट टेस्ट पे खाऊं और बाकी हफ्ता ज़रा डाइट। सबसे पहले तो ये बताएं, माशाल्लाह इतने रंग आपने इन पेंटिंग्स में भर दिए हैं, क्या ये तमाम रंग आपकी ज़िंदगी में भी हैं? ज़रूरी नहीं है, इसीलिए तो मैंने पेंटिंग्स में भर दिए हैं, लाजमी नहीं है ना ज़िंदगी में हो। बट आई थिंक स्टेइंग विद ऑल दीज कलर्स मेक्स मी अ वेरी वेरी हैप्पी पर्सन टू। बाकी आपके बड़े मज़े के कुछ सवाल थे जी, मैं आपको पूछती जाए मैं फिर बताऊँ। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट ही किस्वा सीरीज से करेंगे जो कि आपकी बहुत ज़्यादा सुपर हिट गई है, उसका सीज़न 3 लॉन्च करने जा रही हैं। किस्वा सीरीज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, आया वो किस तरह से आपने स्टार्ट की, आइडिया कैसे आया? सो किस्वा का मतलब ही बेसिकली होता है खिलाफ़े काबा, एज़ वी ऑल नो। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में हर एक मुसलमान के लिए और हर एक मोमिन के लिए, हर एक इंसान के लिए जो अल्लाह ताला को मोहब्बत करता है, हरम शरीफ से मोहब्बत करता है, उसका दिल करता है कि उसके पास खिलाफ़े काबा हो। सो जब भी मैं उम्रे पे जाती थी मैं सोचती थी आई विश कि ये खिलाफ़े काबा किसी तरीके से मैं ले जाऊँ अपने घर और मैं रोज़ सुबह उठूँ और इसी से ही मेरा दिन स्टार्ट हो और इसी से ही मेरा दिन ख़त्म हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। लोग पूछते हैं कहाँ से आया, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हर दफ़ा ये ख़रीदा ही नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द मनी, ऑब्वियसली आई हैव बॉट इट, मैंने इसको ख़रीदा है, लेकिन इसके लिए बहुत सॉलिड कोई आपके मेरे क्लाइंट हैं या आपके कॉन्टैक्ट होने चाहिए जिससे आपको खिलाफ़े काबा मिल जाता है। तो फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ख़रीदा तो उसमें से कुछ मैंने अपने लिए रखा, कुछ अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को दिया, अपने स्टाफ को दिया, अपने वर्कर्स को दिया, लेकिन किस्वा 1 डे की आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हिट हुआ।
किस्वा 2 उससे भी बड़ा हिट हुआ ग्लोबली, इंटरनेशनली, यूनिवर्सली. हमें इतना माशाल्लाह नाम, रिकग्नाइजेशन, प्यार सब मिला. और अब हम ला रहे हैं किस्वा 3 इंशाल्लाह रमज़ान में 2024. कोशिश मेरी यही होगी कि मैं ऐसी सीरीज लाऊं कि हर बंदा ख़रीद सके. अच्छा, अफोर्डेबल है ये आम जनरल पब्लिक के लिए जो रखते हैं, लगाव रखते हैं इस्लामिक चीज़ों से, उनके लिए अफोर्डेबल है या सिर्फ इसको एलीट क्लास ही आपसे बाय कर सकती है? नहीं, देखें, जैसे मैंने पहले कहा है कि बहुत सारे लोग ये नीचे मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि अगर तो आपने ख़रीदा है तो आपने अपने लिए क्यों नहीं रखा. एक तो मुझे लगता है कि अगर मैंने ख़रीदा है तो मैंने इतना बड़ा पीस रख के क्या करना है, इट्स बीइंग सेल्फिश ऑफ मी, व्हाई नॉट गिव इट टू अदर पीपल. ठीक है, दूसरी बात यह है कि बिल्कुल अफोर्डेबल है. अब देखें, अगर फॉर इंस्टेंस जो सबसे बड़ा हमारा चंक पीस होता है ना, जो सबसे बड़ा खूबसूरत पीस होता है, वो बहुत ह्यूज होता है और उस पर पूरा कलमा लिखा होता है. ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑब्वियसली वो महंगा होता है. बट अफोर्डेबल करने के लिए गिलाफ़े काबा के धागे भी हैं खाली, और यू नो, हम थोड़ा पीस लगा देते, बट मेरी कोशिश होती है कि हर बंदा अफोर्ड कर सके. पाकिस्तान में ये ज़्यादा सेल आउट होता है या पाकिस्तान से? मोस्टली माई क्लाइंट्स आर ओवरसीज पाकिस्तान. अच्छा, ये बताएं ना, आपके हिना परवेज़ बट साहिबा जो आपके सिस्टर हैं, अगर थोड़ी सी मैं बहनों की बात करूं, कभी उनके दिमाग नहीं मिलते आपस में? आप लोगों का भी ऐसे ही है, एक ने कहना मैं ऐसे तो दूसरे ने कहना मैं तुमसे अच्छी हूँ? नहीं, देखिए, हिना और मैं बहुत क्लोज हैं, वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. बट क्या होता है कि हमारी दिमाग काम पे शायद मुख्तलिफ हो. मैं बहुत ए पोलिटिकल हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में फॉलो नहीं करती जिनको वो, मतलब यू नो, वो करती हैं, और मैं ज़रा दूर रहती हूँ इन चीज़ों से. और वो शायद आर्ट्स में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं है जिस तरह से मैं हूँ. लेकिन हमारा यू नो, वैसे प्यार हमारा बहुत ज़्यादा, कभी लड़ाई नहीं हुई, भड़ी हैं मुझसे, और लाइक वी बेस्ट फ्रेंड्स एज वेल. फिर हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट ये बड़े हैं कि हमें, उनको भी फैशन माशाल्लाह शौक है, खाने का शौक है, सो इन चीज़ों पर हाँ. बट आई डोंट थिंक बहनों में इतनी, ये झूठ मुझे लगता है, बहनों में कपड़ों पे लड़ाई होती है या किसी और चीज़? वो लड़ाई ये नहीं होती, वो होती अभी दे दो जो भी पहना है, सो उतार दो फौरन. हाँ जी, उतार दो. सो या, दिस हैपेंस, दैट्स ट्रू. ऐसी चीज़ जो पेंटिंग में आपने बड़े दिल से बनाई हो और वो आके ले गई हो? टूर दिखाती हूँ, और बिल्कुल कोई एक चीज़ नहीं, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा जो भी अच्छा काम होता है वो मेरी फैमिली सबसे पहले ले जाती है जी. ले जाती हैं जी. आपको एक ऐसी पेंटिंग दिखाने लगी हूँ जो कि अगर मैं कहूँ तो वो ऐसे है कि जैसे शॉपर में आपने पेंट डाल के ऐसे फेंका हो, लेकिन अबू की लाइंस बोल रही हैं. लेकिन ये पता नहीं क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा आपने ये क्या बनाया आप? आप थोड़ा सा अगर स्टेप बैक करें, मेरा आपको मज़ा भी आएगा और ऑडियंस भी देखेगी. सो बेसिकली ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस सॉर्ट ऑफ वर्क. दिस इज़ अ वेरी डीप फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म. देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट, अ लॉट ऑफ कलर, there's a rhythm going inside. कोई बात नहीं, लोगों को समझ नहीं आती, मैं बुरा नहीं मानती. आप वाला सवाल मुझसे बड़ा पूछा जाता है, ये क्या रंग फेंक दिए, मेरे बच्चे भी इससे अच्छा काम कर लेंगे. कोई बात नहीं, कर लें. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर पीसफुल काम जो है पसंद किया जाता है, गोरे जिनको पसंद करते हैं ये उनके लिए हम बनाते हैं. तो इट्स गॉन टू रशिया, इजिप्ट, अफ्रीका, लंदन, अमेरिका, यू नेम इट. तो माशाल्लाह ये मेरा फिफ्थ मैना है, या पता नहीं फोर्थ है, आई डोंट इवन रिमेंबर. आपने खुद बनाया? ऑफ कोर्स. सो क्या है, अगर आप इसको अब देखें ना, इस कॉन्सेप्ट, आपने कॉन्सेप्ट सुनना है, फिर आपको देखना है खुद ही इस आर्ट में से क्या कुछ नज़र आएगा. बेसिकली ज़िंदगी आपको नीचे की तरफ खींचती है. दीज ब्लैक स्ट्रोक्स दैट यू सीन आर यू नो द स्ट्रगल्स, द प्रॉब्लम्स, द पेन, एग्नी, तकलीफ, ज़िंदगी आपको नीचे की तरफ खींचती है. पर फिर मैंने होप दिखाई है. ये इन्फिनिटी का स्ट्रोक अगर आप देखें ना, ये वाइट उठाई है मैंने कि ज़िंदगी आपको नीचे खींचेगी, लेकिन आपने दोबारा ऊपर की तरफ उठना है. और इसलिए मैंने इसका नाम रखा है मैना, अल्लाह की तरफ का गिफ्ट. मतलब नाम भी इसका रखा है इन्होंने, ज़बरदस्त. अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है. हाँ. इसका क्या मकसद है? ये वैसे बेसिकली जो है ना, ये ज़्यादातर गोरे अगर मैं वो इस तरह की आर्ट बनाते हैं, इसके पीछे क्या पर्पज़ है? दिस इज़, मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैं आर्ट फर्नीचर करती हूँ, इंटीरियर्स करती हूँ. लोगों को लगता है हम फर्नीचर बनाते हैं, हम फर्नीचर नहीं बनाते, हम फर्नीचर पर पेंट करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं आपके घर के मुताबिक, आपके बजट के मुताबिक हम डिफरेंट फर्नीचर बनाते हैं. ये एक एक्चुअली मैनिक्विन पड़ी थी मेरे पास, वेस्ट, जैसे रिसाइकल कर दिया आपने इसको. मैंने कहा चलें इसको थोड़ा सा आर्ट बनाते हैं. देन आई यू नो, इसको एक मैंने बड़े मज़े का एक नेकलेस टाइप मैंने फिश वायर से बना के, एंड आई जस्ट गेव अ नाइस बल्ब, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट लैम्प. रिसाइकल करके आप बहुत से पैसे कमा सकते और बहुत कुछ. यहाँ पे कोई चीज़ हम बाजार से नहीं लेते, हम हर चीज़ अपनी ही टूटी फूटी चीज़ों को सही करके फर्नीचर बना लेते. चले जी, आगे चलते हैं. घोड़े नज़र आ रहे हैं, और वॉल ही बड़ी मुझे पसंद है. इसका नाम है वॉल ऑफ हॉर्सेस,
वॉल ऑफ प्राइड, ये कुछ घोड़े हैं, ये कुछ मेरे आर्टिस्ट के भी हैं, कुछ मेरे हैं, ये मैंने सैमसंग जो आर्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है बेसिकली, ये आपने किया है इस पे? नहीं नहीं, ये पूरा 7 हॉर्सेस हैं और उसके बाद मैंने इसके पीछे ये मेरे साथ किसी ने कलेबरेशन की थी, सैमसंग पाकिस्तान ने, उनकी डिमांड थी, उसके लिए हमने ये बनाया था। आगे चलते हैं कुछ, ये एक है, ये आप दिखाएं, ये अच्छा, ये ट्रक आर्ट है, और ये भी हम बनाते हैं, यू नो ऑल सॉर्ट ऑफ, दिस इज आल्सो, ये सारा फर्नीचर जो भी आप देख रही हैं, वो चेयर्स, ये सारा कुछ, वो क्लोजेट, एवरीथिंग इज मेड, सो वी डू एवरीथिंग। आप मुझे कहेंगी मेरे एसी पे पेंट कर दें, मैं वो भी करती हूँ। मतलब ये हर चीज़ पे पेंट करते हैं, जो आपके घर में खराब चीज़, उल्टी पुल्टी हाँ, चीज़ पड़ी, वो सब इधर ले आए। आप अपना बजट बताएं और अपना थोड़ा सा कलर पैलेट बताएं और आप अपने घर का कोई भी सामान ला के दें, एक कॉफ़ी टेबल ला दें, एक ट्रे ला दें, मैं आपको परात ला दें, उस पर पेंट करें, परात पे भी पेंट हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल है, इसके ऊपर भी कुछ पेंट है। ये एक्चुअली देखें कितने मज़े की चीज़ है, ये हमने खुद एक एम्बॉसमेंट पेस्ट बनाई थी, एंड आई रियली लाइक इट। ये मैंने जैसे ओशन का सी, अच्छा, समुंदर की के लिए भी है। हाँ जी, इसके ऊपर प्रॉपर हम कॉफ़ी पीते, बट ये मैंने थोड़ा सा समुंदर की वेव्स बनाई है। अब ये जैसे मुझे बहुत शौक है जैसे मॉडर्न खताती का, ये जो पेंटिंग हम देख रहे हैं ये समझना मुश्किल है, लेकिन इसका नाम है अधूरी ख्वाहिश, और हम अधूरी ख्वाहिशें, अधूरी ख्वाहिशें, तो जानते हैं कि कौन सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो इनकी अधूरी रह गई हैं। क्या कौन सा ऐसा कलर है जो कि आपने अधूरी ख्वाहिश को रिप्रेजेंट कर दिया इसमें? नो, देयर वाज नॉट अ सर्टेन कलर कि मैंने रिप्रेजेंट किया, बट आई थिंक बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, और अगर ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाए तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं आता। ये आपकी अपनी लाइफ स्टोरी है सारी? बिल्कुल, एंड लाइक आई सेड, आई वाज गोइंग थ्रू नॉट अ वेरी गुड फेज ऑफ माय लाइफ, तो इसलिए इसमें बहुत सारा केओस है, बहुत जज्बाती पेंटिंग नज़र आएगी आपको इसके अंदर, स्प्लैशेस हैं, स्ट्रोक्स हैं, बट अगेन यू नो इसके अंदर स्ट्रॉन्गर कलर्स भी हैं, लेकिन जो मुझे पसंद है वो ये है कि सारे स्ट्रोक्स की मूवमेंट एक रिदम अलग चल रही है, बट इसकी मूवमेंट सेपरेट है। तो ये था कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं अल्लाह पर तवक्कल नहीं छोड़ती। अरे जबरदस्त, अल्लाह ताला से वाबस्तगी इनकी बहुत ज़्यादा। एक मैं पेंटिंग देख रही थी जो कि मुझे बड़ी अट्रैक्ट की, हम उसकी तरफ तो जाते हैं, लेकिन ये आपने जो दोनों पेंटिंग्स कंबाइन की हुई हैं इस डोरी के साथ, इसका क्या मतलब है? ये जो आपको पसंद आई है ना, एक्चुअली उसी सीरीज़ का पार्ट है, एंड दीज आर इंटरनेशनली अवार्ड विनिंग सीरीज़, और आर्ट नॉट फॉर सेल है, इसको मैं नहीं बेचती। कुछ काम मेरा दिल करता है मैं अपने लिए बनाऊँ, और दोबारा मुझसे खुद भी नहीं बनता। अच्छा। सो ये वो है, ये फ्रेंडशिप है, ये मैंने एक इन्फिनिट बॉन्ड दिखाया कि रस्सी से जो मजबूती दिखाई है, जो दोस्ती, आई थिंक जो दोस्ती का रिश्ता है वो दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। एंड कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसने आपसे पिक्चर, पेंटिंग खुद बनवाई हो, कह के मुझे ये वाला आर्ट चाहिए? अब बहुत सारे हैं, अभी मैं नाम कैसे लूँ, बहुत सारे हैं, फ्रॉम सेलिब्रिटीज़ टू पॉलिटिशियंस टू लॉट ऑफ पीपल, यू नो हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और कुछ मेरे अपने बहुत, आप अगर देखती हैं मेरे प्लेटफॉर्म्स, उन पर तस्वीरें लगी होती हैं, और कुछ अगर मेरे अपने बहुत दोस्त हों तो उनको मैं कुछ एक नाम, आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स, देर सो मैनी एंड देर सच पॉपुलर फेसिस ऑफ पाकिस्तान दैट आई डोंट वॉन्ट टू नेम दैम। मैंने आप नाम लें, हर सियासतदान की बना छोड़ी है, अलहमदुल्ला, और उनके घर में लगी हुई है। अच्छा जी, एज अ गिफ्ट, अलहमदुल्ला एज अ गिफ्ट फ्रॉम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से लेके मैंने यू नो गिफ्ट किया है, फिर उसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब को गिफ्ट किया है, इमरान खान साहब के लिए जो बनाया था वो किसी को गिफ्ट किया है, किसी को गिफ्ट किया है। हाँ जी ऑफकोर्स, तो वो मतलब मैं नाम इसलिए नहीं ले सकती, बट अगेन बहुत सारे सेलिब्रिटीज। शौक से सबसे ज़्यादा कौन सी पसंदीदा पॉलिटिशियन की पिक्चर बनाई? मैं कभी नहीं बताऊँगी, बताऊंगी मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा, खैर इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब, इसलिए कि ना मैं अपने लोगों ने छोड़ना है और ना घर वालों ने छोड़ना है, इसलिए मैं बहुत खामोश हूँ, मैं एपॉलिटिकल हूँ। चले जी, किया इन्होंने सब कुछ है। ये वाली पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर एक माँ की जो ममता है वो दिखाई गई है, एक माँ की जो तड़प है जब वो बेबी को बर्थ देती है वो दिखाई गई है। अच्छा, आप ये देखें इनकी नज़र, आई थिंक ये क्लोजअप भी अगर दिखाएंगे तो ये उसके अपनी औलाद पे है जो एक्चुअली दुनिया में आया ही नहीं है, समवेयर इन द स्काइज, लेकिन उसके अंदर आप ये देखें उनके ऊपर मैंने इस तरह का मिक्स्ड मीडिया यूज़ किया कि मैंने आई वॉज ट्राइंग टू शो दैट वैन यू आर एक्चुअली गिविंग बर्थ, वैन आई बिकेम अ मॉम, तो मुझे लगता है कि खाली आपकी बॉडी नहीं, एक औरत की रूह तक चेंज हो जाती है।
सो कैसे वो तकलीफ और एक अजियत और एक परेशानी से गुजर रही है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ ये चाह रही है कि मेरा बच्चा दुनिया में सही सलामत आ जाए। आंसू तक आपने दिखाए हैं कि ये वो भी देखिए, मैंने स्किन दिखाई है और उसकी पेन दिखाई है ना। आई लव दिस कलर पैलेट। अगर मुझे कोई एक कलर हो मैं पूरी लाइफ यूज़ कर सकूँ, दैट वुड बी ब्लू। आई लव द शेड ब्लू। ऐसा क्यों है, ब्लू ही क्यों? आई थिंक ब्लू के अंदर बहुत पावर है और मुझे लगता है कि इसके अंदर एक सॉफ्टनेस भी है, मर्सी भी है एंड ब्यूटी भी है। क्या बात है, हमने तकरीबन इनकी सारी आर्ट गैलरी दिखा दी है, इनके बारे में जान लिया, बट फैमिली से इनका ताल्लुक है, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है, लेकिन ये कुछ खासा पसंद नहीं करती। इनका जो ज़्यादातर इंटरेस्ट है वो आर्ट में ही है। और किस्वा सीरीज़ के बारे में आपको बता दिया, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने अपनी लाइफ की आज तक शेयर ही नहीं किया आर्ट से हट के? नहीं मैम, इन ओपन बुक मैं जो हूँ मुँह पे हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि मेरे में मुनाफिकत नहीं है। यही इनकी खूबसूरती है कि ये अपनी ज़िंदगी के तमाम रंग जो हैं वो कैनवस पे उतार देती हैं और आपको नज़र आ रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट, हर पिक्चर इनकी आर्ट का एक मुंह बोलता सबूत है। आप आए ना प्लीज़ मेरे साथ। और एक आर्टिस्ट जो है वो अपने हुलिये से, अपने अल्फाज से, अपनी ज़ुबान से प्रेजेंट करता है कि वो किस कदर खूबसूरत आर्टिस्ट है। जितनी खूबसूरत इनकी आर्ट है उतनी ही खूबसूरत और उतनी ही मैं कहूँगी दिलफरेब शख्सियत है। ज़्यादा ही मीठा हो गया। खैर चले जी, ये तो मेरा आज का इंटरव्यू, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।